आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8th की जो अंग्रेजी की बुक जो हनी ड्यू है उसकी आज मैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो आप अवश्य ही देखें, पीछे वाले में मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि इट वॉज़ रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। इसका मतलब है कि यह पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपरी हिस्सा पर 26 दिसंबर 1914 भी लिखा गया था। सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। डियरेस्ट कॉनी, कहते हैं क्या कि प्रिय कैनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि वर्ड्स आपके आगे वाले पेज में दिया हुआ है। इससे पहले कि मैं यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग को पहले क्लियर कर लूँ, कहता है कि मैं बहुत ही सुखद, हैप्पियर, सुखद मानसिक स्थिति, मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बात मानसिक स्थिति में आपको यह पत्र लिखता हूँ। और क्योंकि ठीक अभी कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुआ है, जैसा जिसे मैं तुम्हें इसी क्षण बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें मुझे बता ही देना चाहिए। क्लियर? चलिए, एट वंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है तुरंत। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। यू अबाउट एट वंस यहाँ तक मैं बता दिया था। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। यहाँ जब भी आप देख रहे हैं स्टैंडिंग टू का मतलब, यहाँ जब भी आप देख रहे हैं दिया भी गया है टेकिंग अ पोजिशंस, इसका मतलब हुआ क्या कि पोजीशंस को लेना। और ट्रेंचेस जो दिया है, ट्रेंचेस का मतलब यहाँ भी देख रहे हैं दिया भी है वर्ड लॉन्ग डीप ब्रीचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनमी, ताकि एक लॉन्ग डीप, एक लंबा गहरा गड्ढा होता है कहाँ, ग्राउंड में, जहाँ सोल्जर्स अपने आप को एनमी से छुपाते हैं। अब यहाँ बातें आती है कि यह क्रिसमस की सुबह अच्छे वाले दिन की बात करता है। यहाँ दे रहा है क्रिसमस मॉर्निंग, कहता है कि हम सब कल सुबह स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेज स्टरडे मॉर्निंग, हम सब कल सुबह जो ये ट्रेंचेज है वो उसके नाली के सामने खड़े थे, और यह दिन ऑल स्टैंडिंग टू आराम से टेकिंग अप पोजीशंस, बोले तो आराम से खड़े थे कल की सुबह, और यह क्रिसमस का दिन था, और वो भी इट वॉज़ क्रिस्प, ये भी ताजगी से भरा हुआ। यहाँ क्रिस्प जो वर्ड है इसका मतलब ताजगी ही होता है। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और सारे लोग शांत में भी थे, और एज़ ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कहते हैं क्या है कि इतनी सुहावनी मैंने ऐसी सुबह कभी नहीं देखी, एज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी ठंडी, और वो भी इतने कोहरे से भरा हुआ, इतनी ठंड से भरा हुआ, जो पूर्ण जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिस बिगैन इट। यहाँ कहते हैं आई शुड लाइक, अब यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बताना उचित समझता हूँ कि मैंने ऐसी शानदार, टेल यू वट वी बिगैन इट, जिसे हम लोगों ने एक ऐसी शानदार सुबह वाले दिन की शुरुआत की, बट द ट्रूथ, लेकिन सच तो ये है, आई एम अशेम्ड, जिसे कहते हुए मैं शर्मिंदा हूँ, टू से इज़ दैट फ्रीज बिगैन इट, जिसको फ्रीज ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब क्या हुआ कि इसमें वो बताने की कोशिश करते हैं, पहले तो किसी ने ट्रेंच की दूसरी तरफ नहीं पहले किसी ने ट्रेंच की दूसरी तरफ एक सफ़ेद झंडे को हवा में लहराता हुआ, वेविंग मतलब होता है हवा में लहराना, फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट हिलाते हुए देखा। और फर्स्ट समवन सॉ देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। उसके बाद फिर वे उस एक खाली जगह से, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता हो, के पार से हमारी ओर चिल्ला रहे थे, कॉलिंग ये पुकार रहे थे, और क्रिसमस मुबारक टॉमी, इस प्रकार की बातें वहाँ से आती बातें आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक। अब यहाँ जो अभी आप वर्ड जो देख रहे थे टॉमी, ये टॉमी के बारे में यहाँ भी दिया ही है कि अ कॉमन
इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रेफर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, एक कॉमन इंग्लिश नेम है जिसको खास करके यहाँ जो इसका इस्तेमाल किया गया है ब्रिटिश सोल्जर को दिखाने के लिए। यहाँ जो फ्रीज जो वर्ड है ये फ्रीज यहाँ जो भी आप देखें, फ्रीज का मतलब होता है नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, एक नेम है जर्मन सोल्जर के लिए खास करके। फ्रीज अ कॉमन जर्मन नेम, और फ्रीज जो वर्ड जो नाम है एक जर्मन नेम, कॉमन में रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक शेम टू यू, नहीं अब फ्रीज सेम टू यू। अब बातें आती है पूरा कहते हैं जब ऐसा आश्चर्यजनक, वेन ही हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, ऐसा आश्चर्यजनक हुआ था तो हम में से कोई उनकी वापस चिल्लाकर बोला आपको भी क्रिसमस मुबारक, सेम टू यू क्रिसमस मुबारक फ्रीज, सेम टू यू आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, अब कहते क्या कि मैंने सोचा इसका मतलब यही था, आई थॉट मैंने सोचा कि इसका ही मतलब यही था, वी ऑल डिड हम सब ने एक साथ ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, परंतु तभी अचानक उनमें से एक उठा जो भूरे रंग का बड़ा सा कोट पहना हुआ था और अपने हाथों में झंडा को लहरा रहा था वेविंग। डोंट शूट लैड्स, कहते हैं किसी ने चिल्लाकर कहा लड़को निशाना मत लगाना, डोंट शूट लैड्स, लैड्स मतलब लड़का का सिंसिया लगा है। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड और किसी ने निशाना नहीं लगाया। देन देयर वॉज अनदर फ्रीज अपॉन द पैरापेट एंड अनदर, अब क्या हुआ तभी उनमें से एक गन फ्रीज उठा जो पुल की दीवार पर खड़ा था, यहाँ पैरापेट, पैरापेट का मतलब था पुल की दीवार, और कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजेंट, कहते क्या और उसके बाद फिर एक उठाई था, मैंने उन लोगों को कहा आई टोल्ड द मैन कि अपने सिर नीचे झुकाए रखो, कीप योर हेड्स डाउन, और यह उनकी चाल है, इट इज़ अ ट्रिक ये उनकी चाल है, बट इट वॉजेंट लेकिन यह चाल नहीं थी। थोड़ा सा पेज को आगे खिसकाता हूँ, चल अब कहता है कि इसी में वन ऑफ जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल एबव हिज हेड, उन्हीं जर्मनों में से एक अपने सिर पर बोतल हिला रहा था हवा में। इट इज़ क्रिसमस डे, यह क्रिसमस दिन है, टॉमी अच्छी बात है, वी हैव स्नैप्स वी हैव सॉसेस, यह क्या है हमारे पास एक जो स्नैप्स जो वर्ड अभी देख रहे हैं यहाँ, इसको हम कहते हैं स्नैप्स, यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं एक जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन है, इससे बनाया जाता है ग्रेन से, तो कहते क्या कि हम लोगों के पास क्या है शराब है जो कि जमे शराब है जर्मन शराब। वी हैव सॉसेस, हमारे पास कबाब भी है। वी मीट यू, यस चलो हम आपसे मिलते हैं। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. इस समय तक वो दर्जनों थे जो उस जहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, यहाँ दे रहा है no man's land, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ भी नहीं हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनके पास कोई बंदूक भी नहीं थी, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, राइफल मतलब यहाँ जो बंदूक के लिए गाया गया है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस उठने वाला पहला एक लड़का था, नहीं यार प्राइवेट मॉरिस और लिटिल प्राइवेट मॉरिस है, एक लड़का का सेंस यहाँ लगाया है। कम ऑन वॉयज, चलो आओ लड़को, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब उनके लिए कोई रुकावट भी नहीं थी। आई वॉज द ऑफिसर, अरे मैं उनका अधिकारी था। I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me. I should. मैं समझता हूँ कि मैंने इनको वहीं रोक देना चाहिए था, पर सच्चाई तो ये है, but the truth, सच्चाई तो यह है कि यह बात मेरे मन में नहीं आई कि मुझे उसे रोकना भी चाहिए। All along their line and as I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब क्या हुआ कि मैं उन लोगों तथा हमारे लोगों को भूरे कोट तथा खाकी कोट पहने हुए एक दूसरे की तरफ युद्ध भूमि के मध्य में मुझे आते हुए अब देख सकते थे, और एंड आई वॉज वन ऑफ देम, जिसमें से मैंने भी उसमें से एक था,
आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। युद्ध के बीच हम कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है, हम लोग इसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यू कांट इमेजिन डिजर्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रेश ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। अब क्या हुआ प्रिय कैनी, और तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, क्योंकि तुम मेरी जो भावना है, मेरी जो फीलिंग्स है, उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। और आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रेश ऑफिसर, मैंने फ्रेश की आंखों में देखा, जो हु अप्रोच जो हाथ आगे की ओर फैलाया हुआ एड आउट स्ट्रेस्ड हाथों को आगे फैलाया हुआ मेरे पास पहुंचा। अप्रोच मतलब पहुंचना। हैंड सुल्फ उसमें से ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसी ने क्या किया कि अपने जोर से गर्म हाथों से वार्मली नहीं उसने क्या किया कि उसने गर्म हाथों से मेरा हाथ पकड़ कर मिलाते हुए कहा हैंड सुल्फ और आई एम फ्रॉम डजल ड्रॉफ। अब कहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं डजल डॉट से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि मैं एक गायन मंडली जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें मैं सेलो बजाता हूँ। सेलो एक बाजा है, यहाँ दिया भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, इसी प्रकार से मैं बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस आपको मुबारक हो। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।